नमस्कार, टॉप नाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट संकट की। गाजा में आज इजरायल ने किन किन क्षेत्रों में विध्वंस मचाया, गलीली में इजरायली बेस क्यों बना टारगेट, और ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम किसे दिया, जानने के लिए देखिए महायुद्ध टॉप नाइन। गाजा में इसराइल की भीषण बमबारी आज भी जारी रही। इन हमलों में हमास कमांडर रईफ के मारे जाने का दावा है। आईडीएफ के मुताबिक वो खान यूनिस में रॉकेट यूनिट का हेड था। पिछले 24 घंटों में आईडीएफ जेट और ड्रोन्स ने 25 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए। खान यूनिस में हमास के कई बुनियादी ढांचों पर आईडीएफ ने पिन पॉइंट अटैक किया। क्लस्टर बमों के सिलसिलेवार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। रिफ्यूजी कैंप में हमास लड़ाकों के छिपे होने की सूचना पर आईडीएफ ने अटैक किया। इस दौरान हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिया गया। गाजा के राफा में एक बार फिर इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की। राफा में हमास के ठिकानों पर प्रचंड प्रहार हुआ। गाइडेड बमों से किए गए हमलों में वेपन स्टोरेज समेत कई बुनियादी ढांचे जमींदोज हो गए। आईडीएफ के हमले के बाद राफा का आसमान धुएं से भर गया। इसराइल के नहारिया में आज सुबह सुबह हिजबुल्ला ने ड्रोन से बड़ा हमला बोला। रिहायशी इलाके के ठीक ऊपर से उड़ता हुआ ड्रोन एक बहुमंजिला इमारत से टकराया और भीषण धमाका हुआ। इस अटैक में कई लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने ही ड्रोन हमले का वीडियो बनाया। इसराइल पर रॉकेट अटैक के बाद हिजबुल्ला ने ड्रोन से हमला बोला। गलीली में आईडीएफ बेस को टारगेट कर अटैक हुआ, लेकिन इससे पहले कि हिजबुल्ला का ड्रोन बेस से टकराता, इजरायली डिफेंस ने उसे मार गिराया। हिजबुल्ला का ये ड्रोन मिलिट्री बेस के बेहद करीब था। हिजबुल्ला के अटैक का इसराइल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसकी वायुसेना ने कफर केला, तैबे, हनीन और यारीन के क्षेत्रों में रात भर बमबारी की। आईडीएफ के इन हमलों में हिजबुल्ला के कई लॉन्चर और बुनियादी ढांचे बर्बाद हो गए। दक्षिणी लेबनान में हमले कर इसराइल ने रॉकेट अटैक का बदला लिया। इसराइली वायुसेना के प्रचंड प्रहार से हिजबुल्ला के ठिकाने दहल गए, कई इमारतें जमींदोज हो गईं। आईडीएफ की स्ट्राइक में हमास कमांडर समेत कई लड़ाके ढेर हो गए। इसराइल से जंग लड़ रहे हिजबुल्ला को ईरान से नया एयर डिफेंस मिला है, जिसे साउथ लेबनान में तैनात किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इससे पहले ये डिफेंस सिस्टम हूती को दिया है। दावा है कि ओमान की खाड़ी में हूती ने इसी डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी मिसाइल को मार गिराया था। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला ने बीती रात जोरदार हमले किए। लेबनान और सीरिया से कई शहरों पर एक साथ रॉकेट अटैक हुए। हालांकि इसराइली डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्ला के कई रॉकेट्स मार गिराए, लेकिन इस दौरान शहरों में अलर्ट सायरन की गूंज से हड़कंप मच गया।